वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ तांडे सर। तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी उसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। HAL अप्रेंटिस मेरिट लिस्ट 2024 जारी कर दी गई है। इसमें ITI के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड, टर्नर ट्रेड और कोपा ट्रेड से वैकेंसी निकाली गई थी। ये वैकेंसी स्पेशली फॉर ITI स्टूडेंट के लिए निकाली गई थी। हाल कोरबा अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट 2024 जारी की गई है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव पास्ड ITI NCVT बोर्ड 2021-22-23 विथ कंसर्न ट्रेड फॉर अंडरगोइंग 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एविएशन डिवीजन कोरबा अमेठी हाल कोरबा अप्रेंटिसशिप फॉर ITI पास्ड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फीटर ट्रेड, टर्नर ट्रेड, मशीनिस्ट ट्रेड, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, MARC ट्रेड, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड, कोपा ट्रेड और मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड और इलेक्ट्रोपरेटर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड गैस एंड इलेक्ट्रिक, पेंटर जनरल, स्टेनोग्राफर, सर्जरी असिस्टेंट, इंग्लिश ट्रेड आर एलिजिबल टू अप्लाई द हाल कोरबा अप्रेंटिसशिप मेरिट लिस्ट रिलेटेड टू इसमें जो दिया है रिलीज करके 9/4/2004। तो मतलब 9/4/2024 को इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक लिस्ट नहीं देखा है, रिजल्ट नहीं देखा है, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें, या तो इसका जो PDF है वो PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप इसको ज्वाइन कर लें, लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहां से सीधे लिंक पे जा सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रिक्रूटमेंट टाइप है अप्रेंटिसशिप का। टोटल पोस्ट इसमें डिस्क्लोज कर दिया गया और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ITI प्लस 10th रिलेवेंट था, ITI अलग अलग ट्रेड से, और एप्लीकेशन मोड था ईमेल के माध्यम से। एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी 9/4/2024। मेरिट लिस्ट इसमें 9/4/2024 को जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है 9/4/2024 से 16/4/2024 के बीच में। जिस स्टूडेंट का अभी तक नाम रिजल्ट नहीं देखे होंगे तो लिंक में हम दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जाकर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है, मतलब कि चालू भी हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और हाल कोरबा अप्रेंटिसशिप ITI एलिजिबल ट्रेड थे। इसमें सारे ट्रेड को इसमें बुलाया गया था। लगभग 15 ट्रेड हैं जिसमें से इलेक्ट्रिशियन, फीटर ट्रेड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेड हैं, इसमें लगभग 15 ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म भरने के लिए सीधे ईमेल करना था आपको, और ईमेल के माध्यम से ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना था। इसमें यदि देखें क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है। मिनिमम एज भी दिया होता उसमें, मिनिमम एज 18 साल था, मैक्सिमम एज 27 साल, UR के लिए, OBC के लिए 30 साल, SST के लिए 32 साल दिया हुआ था। ठीक है, हाँ, अप्रेंटिसशिप सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप से होगा, तो सिलेक्शन की प्रोसेस दिया था। अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन प्रोसेस 100% मेरिट के आधार पर होगा, और 10th एग्ज़ाम मिनिमम 70% उसमें 10th की एग्ज़ाम का वेटेज होगा, 30% ITI एग्ज़ाम का होगा, और रिजर्वेशन अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के आधार पर होगा। अप्लाई जो है, हाउ टू अप्लाई हाल अप्रेंटिस के लिए, रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप इंडिया पर जाना था, डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट में जाना था ऑफिशियल वेबसाइट पर, और फिल द प्रॉपरली उस फॉर्म को और सेंड द मेल, और ये मेल ईमेल ID दिया हुआ था, इस पर आपको सेंड करना था। ठीक है, तो हाल कोरबा अप्रेंटिसशिप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस स्टूडेंट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट दी हुई है 9/4/2024 से 16/4/2024 के बीच में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मतलब कि आपको टाइमिंग यदि देखें तो मंडे टू फ्राइडे का टाइम दिया हुआ है 9 से 4 बजे तक के बीच में, 9 AM से 4 PM तक का, और इसमें सैटरडे को 9 AM से 11:30 AM तक ही बुलाया गया है सैटरडे के दिन। संडे को हॉलीडे है, और एड्रेस इसमें दिया हुआ है टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हाल एविएशन डिवीज़न कोरबा अमेठी, और ये अमेठी है उत्तर प्रदेश में। इसका पिन कोड भी दिया है 227412। ठीक है, तो जिसका भी लिस्ट में नाम होगा,
ठीक है, उनको उसे मेल भी आया होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इन डॉक्यूमेंट्स को आप साथ में लेकर जाएंगे। सबसे पहले तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एक्सेल फॉर्मेट, जो फॉर्म आपने भरा है उसका एक्सेल फॉर्मेट आपके पास रखा होगा, उसकी प्रिंट आउट लेके जाएंगे आप। ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल कॉपी, प्रोफाइल कॉपी, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो www.apprenticeshipindia.gov पर आपने NATS के पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो NAPS के पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका आपको प्रिंट आउट लेके जाना है। फिर 10th की मार्कशीट लेके जाना है आपको, इंटरमीडिएट 12th की मार्कशीट लेके जाना है, ITI की पूरी मार्कशीट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है, PH यदि हैं आप हैंडीकैप्ड तो PH का मार्कशीट लेके जाना है, HR है हाल वार्ड ओनली तो आप भी लेके जा सकते हैं, वहीं के यदि कैंडिडेट हैं आप तो, EWS कैंडिडेट हैं तो लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो कापी लेके जाना है आपको, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा, अन्यथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाल कोरवा अप्रेंटिसशिप इंपॉर्टेंट जो नोटिस है, इसके इंपॉर्टेंट नोटिस में कैंडिडेट इज रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर पुलिस वेरिफिकेशन पहले होगा, सुपरिटेंडेंट पुलिस, आप पुलिस से मतलब कि SP से आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है ऑफिस बिफोर द रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ दिस ऑफिस इट इज़ एसेंशियल टू सबमिट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इशूड फ्राम द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आपके ऊपर कोई केसेस वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर इन केस नॉन रिपोर्टिंग अप टू 16 अप्रैल 2024, इन केस हो सकता है मौसम खराब के कारण आप 16 तारीख इसकी डाट लास्ट डेट है 16 अप्रैल, तो 16 अप्रैल यदि तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाते तो वेरिफिकेशन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट प्रोविजनली सेक्शन ऑन सेलेक्शन विल बी ट्रीटेड एज द कैंसल, तो आपका जो उम्मीदवारिता है आपकी वो रद्द कर दी जाएगी या कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए पहले ही इसने बोल दिया है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में कम डॉक्यूमेंट्स पाए गए या पूरे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर नहीं गए तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपकी उम्मीदवारिता रद्द कर दी जाएगी, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक लिस्ट नहीं देखा है तो वो लिस्ट पूरा चेक कर लें। डियर कैंडिडेट, ये प्रॉपर लिस्ट दिया है शॉर्ट लिस्टेड, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एविएशन डिवीज़न कोरवा अमेठी में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोरवा में लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द ITI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 2024 एंड 2025। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का नाम दिया हुआ है, लगभग इसमें कैंडिडेट जो हैं इसमें ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम जैसे शिवानी सोनकर, श्याम किशोर सोनकर, ये है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से यहाँ पर दिया हुआ है इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन दिया, लगभग 28 स्टूडेंट का सिलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में दिया है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 4 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और फीटर ट्रेड में आप देखेंगे तीन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, टर्नर में तीन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और मशीनिस्ट में तीन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 2 कैंडिडेट का हुआ है, RAC में 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ड्राफ्ट्समैन में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कोपा में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, कोपा ट्रेड में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप लिस्ट देख लीजिए, ये जो लिस्ट है आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मशीन स्ट्रेंथ में ग्राइंडर में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटर में 1 कैंडिडेट का है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, पेंटर में 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, और SASA इंजीनियरिंग में इसमें 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहाँ दी हुई है, अच्छे से देख लीजिए, डेट एंड टाइमिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डेट एंड टाइमिंग में 9/4/2024 से 16/4/2024 के बीच में मंडे टू फ्राइडे 9 से 4 बजे के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सैटरडे को 9 से 11:30 के बीच में होगा, और संडे इसमें हॉलीडे रहेगा,
तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस पूरी दी हुई है आपको। 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उस डेट तक आपको पहुंचना है, ठीक है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, आप डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाएंगे वेरिफिकेशन में, एप्लीकेशन की कॉपी, ईमेल आईडी, ठीक है, जो अपने अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन किया है, बाकी ये पूरे डॉक्यूमेंट, आईटी की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, पीएस सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और लेटेस्ट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ्स, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना पड़ेगा। एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस पर आपको रिपोर्टिंग करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए।